हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे का वेट कफ यानी गीली खांसी के इलाज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, बच्चे को वेट कफ होने के बाद ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं होने के कारण बच्चे बलगम हो जाते हैं और नाक धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, जिससे बच्चे सांस लेने में और छोड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी रोते हैं, खासकर रात के समय में अधिक रोते हैं। इसके दौरान बच्चे के शरीर से घर घर सनसन की आवाज़ आती है। ऐसे कंडीशन में पसली चलना, बच्चे के पेट खांपना, सांस फूलना, ये सभी लक्षण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बच्चे के शरीर में बेचैनी होने लगते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे के ऐसे स्थिति में फेफड़े के नली में सूजन हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को दमा अस्थमा हो जाते हैं। बच्चे का वेट कफ सही समय पर इलाज नहीं करने पर और देख रेख सही से नहीं करने पर बच्चे को दमा अस्थमा और निमोनिया हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे को निमोनिया होने पर बच्चे अधिक देर तक रोते हैं और बेचैनी होने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे में ऐसा लक्षण हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास ले जाएँ बच्चे को और सही से ट्रीटमेंट कराएँ। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को वेट कफ का ट्रीटमेंट बता देता हूँ। फ्रेंड्स, वेट कफ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले न्यूबिलाइजर से बच्चे को भाप देना चाहिए सुबह शाम, कम से कम 2 दिन तक। न्यूबिलाइजर से भाप देने पर 80-85% ऑक्सीजन मिलते हैं और बच्चे का जो है कफ जो बैठ जाते हैं उसे भी, बलगम को भी पतला करके मुलायम करके निकालते हैं और बंद नाकों को भी खोलते हैं। रात में बच्चे का नाक फिर भी बंद हो जाते हैं तो नाक में नज़ल ड्रॉप 1-2 बूंद दें, उसके बाद ब्रोमहेक्जिन और गुआफेनासिन वाले कफ सिरप दें। फिर अगला मेडिसिन एंटीबायोटिक सिफेक्जिम या एजिथ्रोमाइसिन, दोनों में कोई एक दें। अगर बच्चे को वेट कफ अधिक हो गया है या इलाज करने में देरी हो गया है तो बच्चे को एंटीबायोटिक सेप्टिएक्सोन और सल्बेक्टम देना बेहतर होगा, नहीं तो बच्चे को निमोनिया हो सकते हैं। अगला मेडिसिन अरिस्टोजाइम या जेनोजाइम सिरप, दोनों में कोई एक देना है। उसके बाद बच्चे को विटामिन सिरप A to Z भी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में बच्चे को फीवर भी होते हैं, फीवर दूर करने के लिए कॉम्बिफ्लाम या डोलो सिरप, दोनों में कोई एक उपयोग करें। बच्चे के इलाज के साथ साथ सही से देख रेख, सुबह शाम मालिश करें, बच्चे को 15-20 मिनट हल्के धूप में रखें। फ्रेंड्स, अब मैं मेडिसिन उपयोग करने का तरीका बता देता हूँ। कफ सिरप जो है सुबह शाम दें, एंटीबायोटिक सिफेक्जिन देते हैं तो यह भी जो है सुबह शाम दें सिरप में, और एजिथ्रोमाइसिन भी जो है आप देते हैं तो यह भी जो है सुबह शाम दें सिरप में, विटामिन सिरप A to Z सिरप भी सुबह शाम दें और जेनोजाइन भी सुबह शाम दें और कॉम्बिफ्लाम या डोलो, दोनों में कोई एक बुखार होने पर दें। जी हाँ दोस्तों, इंजेक्शन जो है इंजेक्शन सेप्टिएक्सोन और सल्बेक्टम मिला हुआ दिन में एक बार दें बच्चे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।